एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा करने के साथ ही इस चुनाव को और रोचक बना दिया था। पूर्वांचल में ओवैसी की सेंट्री ने सबको पेशोपेश में डाल दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पूर्वांचल में ओवैसी की एंट्री से क्या क्या समीकरण बन रहे हैं। बता दें कि पूर्वांचल में छठे चरण के मतदान के बाद सातवें चरण के चुनाव का शोर अब चरम पर है। सातवें चरण का मतदान 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। यह चुनाव यूं तो सपा और भाजपा के बीच माना जा रहा है, मगर असदुद्दीन ओवैसी ने उस चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा करने के साथ ही इस चुनाव को और रोचक बना दिया है। पूर्वांचल में ओवैसी की इस एंट्री ने सबको पसोपेश में डाल दिया है। एआईएमआईएम ने सातवें चरण के चुनाव के तहत गाजीपुर की सहुराबाद सीट से शौकत अली को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट से वर्तमान में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। इसके साथ ही वह इस बार भी जहुराबाद सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बसपा ने भी इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी का दांव खेला है। बसपा ने सैदा सादा फातिमा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने जहोराबाद विधानसभा सीट पर कालीचरण राजभर पर दांव खेला है। वे सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे इतर कालीचरण राजभर जहोराबाद से बसपा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। एआईएमआईएम ने आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से शाह आलम तो सगड़ी से निसार अहमद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं वाराणसी नॉर्थ से हरीश शर्मा, वाराणसी साउथ से परवेज कादिर खान, जौनपुर की शाहगंज सीट से एडवोकेट नायब अहमद, मुनरगा बादशाहपुर से रमजान अली को टिकट दिया है। गाजीपुर की जहुराबाद सीट से शौकत अली, चंदौली की मुगल सराय सीट से आदिब अली, मिर्जापुर से बदरुद्दीन हाशमी और बलिया सदर सीट से मोहम्मद समीम खान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पवई और मुबारकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधी दलों के खिलाफ जमकर हमला बोला था। ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हाथ मिलाकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा गठबंधन का ऐलान करते हुए पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा संदेश पहले ही दे दिया है। यह समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। कुशवाहा समाज अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओवैसी में आता है। पूर्वांचल में इनके ठीक ठाक वोटर भी हैं। उधर सपा की टिकट पर कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी ओवैसी की राजनीति करके बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का मुस्लिम के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर भी अगर साथ दे देते हैं तो वह सपा के लिए दिक्कत बन सकते हैं। कारण बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों को पूर्वांचल की सीटों पर मौका दिया है। इसके तहत भाजपा से गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ रहे सभी कैंडिडेट्स अपना दल एस और निषाद पार्टी ने उतारे हैं। सभी ओवैसी से ताल्लुक रखते हैं। ओवैसी में निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, भार, धीवर और ऐसी तमाम पिछड़ी जातियां आती हैं। ऐसे में अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वोट काटता है तो उसका फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि इन जातियों का वोट एक पार्टी में ना जाकर कई जगहों पर बट जाएगा। वहीं मुस्लिम वोटर भी बटेगा, जबकि बीजेपी का वोट बैंक यानी समर्थ है वह एक ही जगह जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान सपा को ही होता दिखाई दे रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।